नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। आइए एक नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीजेपी और जेडीयू के तल्खी के बीच देर रात प्रणब मुखर्जी से मिले नीतीश कुमार, सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज। पटना के हाई प्रोफाइल निशान सर्राफ सुसाइड केस में नया खुलासा सामने आया, पति पत्नी और वो का ट्रायंगल, पुलिस ने जताया पत्नी के संबंध होने की आशंका। मॉनसून पूर्व बारिश की कमी से बिहार में जानलेवा हुई इस बार की गर्मी, पूरा बिहार गर्म हवाओं और लू की चपेट में। बिहार में चली कातिल हवा, तपिश ने तोड़ा 53 साल का रिकॉर्ड, लू से दो दिनों में 161 लोगों की मौत। पटना 44 डिग्री टेम्परेचर के साथ रहा राज्य का सबसे गर्म शहर। बिहार में एईएस और लू से कुल 281 लोगों की मौत, एईएस से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 120। सीएम नीतीश ने की 4-4 लाख रुपए की अनुदान की घोषणा। क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर जीत पर गिरिराज सिंह ने किया ट्वीट, कहा हम इतिहास दोहराते रहेंगे, पाकिस्तान को हराते रहेंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का। खगड़िया में भरतखंड ओपी क्षेत्र ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 की मौत 4 घायल, दोनों मृतक भागलपुर के रहने वाले। बिहार में नंदवा मुसहरी में ससुराल वालों की हैवानियत, दहेज के लिए माँ और 1.5 साल के मासूम को जिंदा जलाया। राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न शहरों में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पेड़ों के काटने पर लगाया रोक। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रही है सिटी पोस्ट पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। बाईस वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।